रायपुर से बड़ी खबर, जहां रेणु जोगी पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पलटवार। कांग्रेस जोगी परिवार के लिए सीट क्यों छोड़ेगी? रेणु जोगी अपनी तुलना सोनिया गांधी से ना करे, सोनिया से अपनी तुलना करे या शोभा नहीं देता। सोनिया पर बोलने का अधिकार जोगी परिवार को नहीं है। तो ये सब की बड़ी खबर, जहां रेणु जोगी पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पलटवार किया। कांग्रेस जोगी परिवार के लिए सीट क्यों छोड़ेगी? रेणु जोगी अपनी तुलना सोनिया गांधी से ना करे, सोनिया से अपनी तुलना करे या शोभा नहीं देता। सोनिया पर बोलने का अधिकार जोगी परिवार को नहीं है। मरवाही उपचुनाव चरम पर है। कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का प्रत्याशी कौन होगा और उसका खासकर अमित जोगी और ऋचा जोगी के जाति मामले को लेकर जो है राजनीतिक जो है घमासान है। कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेता इस पर जो कूद पड़े, और इस वक्त हमारे साथ जो है प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, लगातार ये देखा जा रहा है अजीत जोगी और ऋचा जोगी का जो मामला है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो उन्हें चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती, क्या उनके आरोप को देखा जा सही माना जा सकता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप करना उनकी आदत में शामिल है, इसलिए उस पर कोई भी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। कल राजभवन में ऋचा जोगी और रेणु जोगी ने मुलाकात की है और सीधे तौर पर कहा है कि सरकार के नियत पर हमें शक है, और उन्होंने यह भी कहा कि जैसे पूर्व सीएम होने के नाते ऋचा बहू, उनकी जो बहू है उनको लड़ने दिया जाने चाहिए और कांग्रेस को इसकी सीट छोड़ दी जाए। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि रायबरेली में सोनिया गांधी के लिए सपा बसपा जैसे जो पार्टियाँ हैं वो सीट छोड़ देती हैं। मैडम, रेणु जोगी का ये तर्क जो है कितना सही लगता है आपको? देखिए, इस तर्क में कोई तथ्य नहीं है। सोनिया जी से तुलना अपनी करना कहीं उनको शोभा नहीं देता। सोनिया जी का उदाहरण देके बात करने का उनको अधिकार भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री से लेके विभिन्न पदों से सुशोभित किया, मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यसभा, विधायक, पत्नी को विधायक, बेटे को विधायक, और वो लगभग 35 साल तक कांग्रेस के उसमें विभिन्न पद पाए, और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने क्या किया या कांग्रेस को क्या दिया उसको पहले बता दें वो। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि रेणु जोगी को जो है कांग्रेस के पक्ष और खासकर सोनिया गांधी के बारे में और जो अपनी तुलना जो है सोनिया गांधी से करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मरवाही का जो कांग्रेस कैंडिडेट होगा वो जिताऊ कैंडिडेट होगा और कांग्रेस और खासकर मुख्यमंत्री के पसंद का कैंडिडेट होगा। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से आज की चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद जो है कितने नामों का पैनल जो है हाईकमान को भेजा जा रहा है। कैमरामैन चतुर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। चलिए, तो मरवाही उपचुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। जयसिंह अग्रवाल ने पलटवार किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रेणु जोगी सोनिया गांधी से अपनी तुलना ना करे, कांग्रेस जोगी परिवार के लिए सीट क्यों छोड़ेगी, जयसिंह अग्रवाल का यह कहना है। तो चलिए, लगातार मरवाही उपचुनाव को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ जहां जेसीसी पार्टी का ये आरोप कि सरकार चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती, सरकार की नियत इस तरह की नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। और जयसिंह अग्रवाल का इस बीच ये बड़ा बयान कि सोनिया से तुलना अपनी ना करें, रेणु जोगी उन्हें शोभा नहीं देता। चलिए, और हमारे साथ कांग्रेस नेता रमेश वरलानी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश जी, किस तरह से देख पा रहे हैं लगातार मरवाही सीट पर घमासान यहां पर मचा हुआ है और लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं जो कुछ भी चल रहा है मरवाही सीट पर? देखिए, मरवाही सीट कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट रही है और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी वहां विजयी होकर उभरेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है।
इसलिए कोई घमासान वाली बात ही नहीं है। वो वहां के मतदाताओं ने स्पष्ट मन बना लिया है कि हम कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस साथ हैं, कांग्रेस साथ रहेंगे। तो इसमें भी, इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ही विजयी होगा। जी, जेएससी जी की ओर से जो आरोप यहाँ पर रमेश जी लगाए जा रहे हैं कि सरकार पर, सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठा है, सरकार की नियत साफ नहीं है, सरकार चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती, इन आरोपों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह के आरोप वही लोग लगाते हैं जिनको मालूम है कि उनकी पराजय सुनिश्चित है। तो अपने भविष्य की पराजय से अपना चेहरा बचाने के लिए वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चुनाव के पहले ही लगा रहे हैं। यदि आप इतने ही लोकप्रिय हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उनको मालूम है जनता की नब्ज की, जनता ने मन बना लिया है कि भूपेश बघेल जी ने वहां जिला बना दिया, पेंड्रा गोरेला वाला जिला बना दिया, मरवाही के विकास के लिए अनेक योजनाएं दे दी। तो उनको दिख रहा है कि हमारा भविष्य भूपेश बघेल के हाथों सुरक्षित है, कांग्रेस पार्टी के हाथ सुरक्षित है, तो हमारे साथ है। अब उनको अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। जी, हम जो किसी को रोको, लोकशाही में किसी को रोक सकते हैं क्या लड़ने के लिए? लेकिन यदि उनका, यदि जाति प्रमाण पत्र ही गलत है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उनका स्पष्टीकरण तो उनको देना है। जी चलिए रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इकबाल अहमद रिजवी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, जेएससी जी प्रवक्ता। इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीसी 24 में। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मरवाही सीट को लेकर घमासान यहां पर मचा हुआ है और आपकी पार्टी की ओर से कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार की शायद ये मंशा नहीं है कि वहां से कोई प्रत्याशी उतारा जाए जेएससी की ओर से, या सवाल ये भी कि चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बस मैं ये कहना चाहूंगा साहब कि अभी तक, इसके पहले माननीय अजीत जोगी जी से कांग्रेस सीट हिला करती थी, अब उनकी बहुत से भी हिल के रह गई है। मतलब इतना ज्यादा उनके दावेदारी से इतना हिल गई है कि ऐसा लगता है कि जो वो पहले सोच रहे थे कि पार्टी उनकी वहां हार रही है, अब तो जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये अड़ंगे लगा रहे हैं और जात पात की बात कर रहे हैं। ये भूल गए अपने पुरानी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी का जो स्लोगन था, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। अब उस समय पता नहीं वरलानी जी थे कि नहीं कांग्रेस में, लेकिन ये बहुत मुहावरा चला था। और ये तो मानवीय दृष्टिकोण है कि अपने प्रत्याशी खड़ा करें या ना करें, है ना। अब यहाँ अमानवीय दृष्टि से देखा जा रहा है। अब सोनिया गांधी जहाँ खड़ी होती हैं, वहां पर तो जो लोग अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा करते वो उनमें मानवीयता है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि मानवता और मानवीयता दोनों का अभाव नजर आ रहा है। अरे 69 सीट ले करके भी आप इतने ज्यादा संतुष्ट नहीं है, हैं? उसके बाद एक सीट नहीं छोड़ सकते? ऐसे आदमी जो इस प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री रहा है और विलक्षण प्रतिभा का धनी रहा है, जिसे श्रीमती सोनिया गांधी ने आदिवासी मानते हुए प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया था, क्या उनमें किसी में भी कांग्रेसी में आज ये दम है कि श्रीमती इंदिरा गांधी से ये पूछ सके कि आपने अजीत? निश्चित रूप से एकबाल जी, चुनाव से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते हैं और ज्यादा दिन नहीं बचा है, जब जनता अपना यहाँ पर फैसला देगी इंतजार हम सभी को करना होगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।